नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। सीधे लिए चलते हैं। आपको प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनाते हैं। दो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हो चुकी है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात करें तो 2014 में भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे, आज उनकी संख्या भी लगभग बढ़कर के 800 मिलियन यानी 80 करोड़ यूजर से ज्यादा हो चुकी है। 2014 में भारत में 250 मिलियन यानी 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, आज ये संख्या भी बढ़कर के 850 मिलियन यानी 85 करोड़ से अधिक हो चुकी है, 85 करोड़। ये आंकड़े सिर्फ भारत की सफलता ही नहीं कह रहे, ये हर आंकड़ा आपकी इंडस्ट्री के लिए बढ़ते हुए बिजनेस का इंडिकेटर है। सेमीकॉन इंडस्ट्री जिस दुनिया में जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, उसकी प्राप्ति में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज दुनिया 4th औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 की साक्षी बन रही है। जब जब दुनिया ऐसे किसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजरी है, तब तब उसका आधार किसी ना किसी क्षेत्र के लोगों की एस्पिरेशंस रही है। पहले की औद्योगिक क्रांति और अमेरिकन ड्रीम्स में यही रिश्ता था। आज 4th औद्योगिक क्रांति और इंडियन एस्पिरेशंस में भी यही रिश्ता मैं देख रहा हूं। आज इंडियन एस्पिरेशंस भारत के विकास को ड्राइव कर रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां एक्सट्रीम पॉवर्टी तेजी से खत्म हो रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां नियो मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है। भारत के लोग टेक फ्रेंडली भी हैं और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को लेकर भी उतने ही फास्ट है। आज भारत में सस्ता डेटा गांव गांव पहुंच रहा, क्वालिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमलेस पावर सप्लाई डिजिटल प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन को कई गुना बढ़ा रही है। हेल्थ से लेकर एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक तक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के यूज से जुड़े एक बड़े विजन पर भारत काम कर रहा है। हमारे यहां एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो जिसने भले ही बेसिक होम अप्लायंस का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो अब सीधे इंटरकनेक्टेड स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल करने वाली है। भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसने संभवतः कभी बेसिक बाइक भी नहीं चलाई होगी, लेकिन अब वो स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का उपयोग करने जा रहा है। भारत का बढ़ता हुआ नियो मिडिल क्लास इंडियन एस्पिरेशंस का पावर हाउस बना हुआ है।
संभावनाओं से भरे भारत के स्केल के मार्केट के लिए आपको चिप मेकिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना है। और मुझे विश्वास है जो भी इसमें तेजी से आगे बढ़ेगा उसे फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलना तय है। साथियों, आप सभी ग्लोबल पैंडेमिक और रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट से उबर रहे हैं। भारत को इस बात का भी एहसास है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं है, दुनिया को भी आज एक ट्रस्टेड रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बेहतर भला ये ट्रस्टेड पार्टनर और कौन हो सकता है। मुझे खुशी है कि भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। और ये भरोसा क्यों है? आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। भारत पर उद्योग जगत को भरोसा है क्योंकि आज हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास हो रहा है। भारत पर टेक सेक्टर को भरोसा है क्योंकि यहां टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है। और आज भारत पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भरोसा है क्योंकि हमारे पास मासिव टैलेंट पूल है, स्किल्ड इंजीनियर्स है और डिजाइनर्स की ताकत है। जो भी व्यक्ति दुनिया के सबसे वाइब्रेंट और यूनिफाइड मार्केट का हिस्सा बनना चाहता है उसका भरोसा भारत पर है। जब आपसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया तो उसमें यह बात भी शामिल है कि आइए मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। साथियों, भारत अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति समझता है, इसलिए साथी देशों के साथ मिलकर हम एक व्यापक रोडमैप पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम भारत में एक वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम निर्माण का के पीछे पूरी ताकत लगा रहे हैं। हाल ही में हमने नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूव किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल भी संसद में पेश होने जा रहा है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए हम अपने इंजीनियरिंग करिकुलम में भी बदलाव कर रहे हैं। भारत में 300 से ज्यादा ऐसे बड़े कॉलेजों की पहचान की गई है जहां सेमीकंडक्टर पर कोर्स उपलब्ध होंगे। हमारा चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम इंजीनियरों की मदद करेगा। अनुमान यह है कि अगले 5 वर्षों में हमारे यहां 1 लाख से ज्यादा डिजाइन इंजीनियर तैयार होने वाले हैं।
भारत का लगातार बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम भी सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूती देने वाला है। सेमीकॉन इंडिया के सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बातें उनका विश्वास बढ़ाने वाली है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। फ्रेंड्स, आप सभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इसका अंतर भली भांति जानते हैं। कंडक्टर से एनर्जी पास हो सकती है, इंसुलेटर से नहीं होती है। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेक बॉक्स को टिक कर रहा है। इस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। बीते एक दशक में हमारी सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इस दशक के अंत तक हमने 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट रखा है। सोलर पीवी मॉड्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत में हो रहे पॉलिसी रिफॉर्म्स का भी पॉजिटिव इंपैक्ट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण पर पड़ेगा। हमने नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कई तरह के टैक्स छूट का ऐलान भी किया है। आज भारत दुनिया तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको झारखंड में, जहां मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। झारखंड में विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, आपको सुनवाते हैं। 8 मार्च 2023 को निधन हो गया। 1962 में चीन तथा 1965-71 पाकिस्तान युद्ध के योद्धा चंद्रदेव पांडे का दिनांक 29 मई 2023 को निधन हो गया। नवाडी निवासी सर्गियो पांडे 1950 में आर्मी सिग्नल रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार और पद्मश्री मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र का दिनांक 6 मार्च 2023 को निधन हो गया। भारतीय सर्कस के पितामह और सर्कस को वैश्विक पहचान दिलाने वाला जेमिनी शंकरन का 23 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। क्रिकेट प्रशंसकों के मांग पर छक्का जड़ने वाला 1960 के दशक के दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का 2 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। क्रिकेट जगत में इनकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। 4 दशक तथा थिएटर, सिनेमा, टीवी पर अभिनय, निर्देशन, लेखन और बतौर निर्माता के रूप में अपनी छाप छोड़ने वाले मशहूर अभिनेता और फिल्मकार सतीश कौशिक का दिनांक 9 मार्च 2023 को निधन हो गया। 80 के दशक में टेलीविजन के लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में शकुनी की भूमिका निभाने वाले गुफी पेंटल का दिनांक 5 जून 2023 को निधन हो गया। भारतीय वाहन उद्योग के दिग्गज और महिंद्रा एंड महिंद्रा के मानद चेयरमैन केशव महिंद्रा का 12 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। उनका निधन उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। प्रसिद्ध इतिहासकार और औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू पुस्तक के लेखक रंजीत गुहा का दिनांक 28 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। ओडिशा के बालासोर जिले में दिनांक 2 जून 2023 को कोरमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने और एक मालगाड़ी के टकराने से जुड़े त्रिपक्षीय भीषण रेल हादसे में 288 लोगों का मौत की घटना हृदय विदारक है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में दिनांक 20 अप्रैल 2023 को सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले में 5 भारतीय जवानों के शहीद होने की घटना जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश के कारण हुई लोगों की मौत
उत्तराखंड में चमेली जिले के सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत, तेतुलमारी निजितपुर रेलवे स्टेशन में के बीच झारखोर गांव स्थित रेलवे फाटक के पास पोल में करंट दौड़ने से 6 लोगों की मौत की घटना अत्यंत ही दुखद है। वहीं राज्य के जानलेवा गर्मी लू से 13 लोगों की मौत दिनांक 20 जून 2023 को राज्य में हुआ। वज्रपात में 16 लोगों की मौत की घटना साहिबगंज और पाकुड़ में दिनांक 30 मई 2023 को वज्रपात से 6 बच्चों की मौत घटना भी अत्यंत पीड़ादायक है। माननीय सदन नेता, अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार, लेखक और आम नागरिक गुजर गए, जिनमें प्रमुख हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध जगन्नाथ महतो का निधन 6 अप्रैल 2023 को हो गया। उन्होंने वर्ष 2019-2014-2009 में डुमरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। झारखंड आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय महतो राज्य के बच्चों की शिक्षा के लिए कृत संकल्प थे। उन्होंने पारा शिक्षकों को मानदेय भुगतान का नियमितीकरण कर सहायक अध्यापक का दर्जा दिलाया। मैंने अपने बड़े भाई एवं जुझारू कर्मठ राजनेता को खो दिया। उनके निधन से हम सभी मर्माहत। इनके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जो पंजाब के सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री भी थे, उनका भी निधन हुआ। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओम चांडी जी का भी 18 जुलाई 2023 को निधन हो गया। उसके साथ साथ पूर्व माननीय सदस्य हरि नारायण प्रभाकर जी का भी निधन हुआ, जो राज धनबार विधानसभा के का प्रतिनिधित्व करते थे। वर्ष 2005 में चायबासा विधानसभा से पूर्व विधायक पुत्कर हेमब्रम जी का भी निधन हुआ। जनजातीय सामाजिक चिंतक, शिक्षाविद, बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य तथा रांची विश्वविद्यालय के एसटीएससी स्पेशल सेल के अध्यक्ष डॉक्टर कर्मा उरांव जी का भी निधन 14 मई 2023 को हो गया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री देवी जी का भी इसी बीच निधन हुआ। उनके साथ साथ बिहार के पीरपैंती के पूर्व विधायक शोभाकांत मंडल जी का भी निधन हुआ। बिहार विधान परिषद के विधान पार्षद रहे विनोद कुमार चौधरी जी का भी निधन हुआ। बिहार विधानसभा विधान परिषद के सदस्य रहे विधान पार्षद सोनेलाल मेहता जी का भी निधन हुआ। झारखंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर प्रभाकर मिश्र जी का भी निधन हुआ। एकीकृत बिहार रणजी टीम के कप्तान रहे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले तेज गेंदबाज रणधीर सिंह जी का इसी बीच निधन हुआ। 1962 में चीन तथा 1965-71 युद्ध के योद्धा चंद्रदेव पांडे जी का भी निधन 29 मई 2023 को हो गया। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार पद्मश्री मूर्ति देवी जी का भी निधन हुआ। भारतीय सर्कस के पितामह और सर्कस को वैश्विक पहचान दिलाने वाले चेमिली शंकरन जी का भी इसी बीच निधन हुआ। 1960 दशक के दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी जी का भी इसी बीच निधन हुआ। बतौर अभिनेता के रूप में काम करने वाले तथा 4 दशक तक थिएटर, सिनेमा, टीवी पर अभिनय, निर्देशन, लेखन,
और बतौर निर्माता अपनी छाप छोड़ने वाले मशहूर अभिनेता फिल्मकार सतीश कौशिक जी का भी इसी बीच निधन हुआ है। और इनके साथ साथ 80 के दशक में टेलीविजन के लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत की शकुनी की भूमिका निभाने वाले गोपी पंटेल जी का भी निधन हुआ। भारतीय वाहन उद्योग के दिग्गज और महिंद्रा एंड महिंद्रा के मानदक चेयरमैन केशव महिंद्रा जी का भी इसी बीच निधन हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार और औपनिवेशिक भारत के किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू पुस्तक के लेखक रंजीत गुहा जी का भी निधन 28 अप्रैल 2023 को हुआ। और इसके साथ साथ मणिपुर में लगभग 3 महीने से जारी जातीय हिंसा में सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की मारे जाने की सूचना से मैं आहत हूं एवं मृत परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। इसके अलावा उड़िया के बालासोर जिले में 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने और एक मालगाड़ी के टकराने से जुड़े त्रिपक्षीय भीषण रेल हादसे में लगभग 228 लोगों की मौत की घटना हृदय विदारक है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में दिनांक 20 अप्रैल 2023 को सेना के वाहन पर आतंकी हमले में 5 भारतीय जवानों के शहीद होने की घटना जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश के कारण हुई लोगों की मौत, उत्तराखंड के चमोली जिले में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत, तितुलमारी निचितपुर रेलवे स्टेशन के बीच झारखोर गांव स्थित रेलवे फाटक के पास पोल में करंट दौड़ने से 6 लोगों की मौत की घटना अत्यंत ही दुखद है। वहीं राज्य में जानलेवा गर्मी और लू से 13 लोगों की मौत दिनांक 20 जून 2023 को राज्य में हुए वज्रपात में 16 लोगों की मौत की घटना साहिबगंज और पाकुड़ में दिनांक 30 मई 2023 को वज्रपात से 6 बच्चों की मौत की घटना से मैं मर्माहत हूँ। ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय सदस्य गिरीन चंद्र भाई, माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, साहित्यकार, लेखक और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से जगन्नाथ महतो, डेविड मुर्मू, प्रकाश सिंह बादल, ओमान चांडी, हरिहर नारायण प्रभाकर, पुत्कर हेम्ब्रम, डॉक्टर कर्मा उरांव, गायत्री देवी, शोभाकांत मंडल, विनोद कुमार चौधरी, सोनेलाल मेहता, जैमिनी शंकरन, सलीम दुरानी आदि प्रमुख हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का जाना हम सबों के लिए बहुत ही दुखद है महोदय, और मेरा तो उनसे व्यक्तिगत, मेरे गृह जिले के होने के कारण मैं समझता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है, बहुत भावनात्मक रिश्ते थे हमारे, और उनका जाना हम सबों के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं प्रभु से विशेष प्रार्थना करता हूँ उनके लिए। और इसके अलावा लंबी श्रृंखला है जिसमें बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी उसमें 288 लोगों की मौत हुई, साथ ही जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले में लगभग आधा दर्जन सैनिक शहीद हुए, साथ ही लू लगने के कारण, बाढ़ के कारण, बारिश के कारण जिन जिन लोगों की मौतें हुई हैं सबों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेरे दल के तरफ से मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। साथ ही जो ट्रीटमेंट प्लांट में उत्तराखंड में 16 लोगों की करंट लगने से मौत हुई थी महोदय, इसके अलावा साहबगंज में 6 बच्चों की, साहबगंज और पाकुड़ में 6 बच्चों की मौत हुई
ब्रजपात के कारण ये बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही दुखद है। महोदय, परसों सुभाष मुंडा नाम के एक नौजवान की गोली मारकर जघन्य हत्या कर दी गई। मेरी पार्टी के तरफ से मैं उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और सारे जितनी भी मौतें हुई हैं पिछले सत्र से अब तक के सत्र के बीच में, जितनी भी हत्याएं झारखंड में हुई है, सबों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। तो झारखंड विधानसभा की कार्यवाही आप सुन रहे थे। इस दौरान दिवंगतों की श्रद्धांजलि दी गई सत्र के पहले दिन। आपको बता दें ये सत्र 4 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।